हेलो गाइस, मूवी सेंपाई की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आज बात करूंगा उन सभी डिटेल्स के बारे में जो हमें ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 13 में दिखाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेन एक्सपेंशन गॉड तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉर्ड बीरस अपने प्लैनेट डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट गोकू की तरफ फेंकते हैं और गोकू अपनी कामेहामेहा वेव से उसे रोकने की कोशिश भी करता है। बीरस की पावर के आगे गोकू कमजोर पड़ रहा था, पर गोकू भी हार नहीं मानता और उसकी सुपर सैयन गॉड की पावर बीरस को टक्कर दे रही है। आसमान में सफेद रोशनी छा जाती है, तो क्या गोकू लॉर्ड बीरस को हरा पाएगा? काई प्लैनेट पे शिन ओल्ड काई से पूछता है कि यह सब ठीक कैसे है, जिस पर ओल्ड काय कहते हैं अभी तो थर्ड कोलिजन बस शुरू ही हुआ है। उन दोनों की पावर टकराने से स्पेस में एक पीली बिजली का गोला बन जाता है। गोकू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गोले को बीरस की तरफ धकेलता है, पर बीरस उसे वापस गोकू की तरफ धकेल देते हैं। ओल्ड काय बताते हैं कि गोकू और बीरस की पावर टकराने की वजह से वहाँ एक काफी बड़ी एनर्जी बन गई है। शिन यह सुनकर काफी परेशान है। अर्थ पर सब शॉक वेव्स को वे महसूस कर सकते हैं। विश और शिप पर मौजूद सभी लोग उन सब प्रोजेक्शन से देख रहे हैं। मिस्टर सेटन को यह दुनिया का अंत लग रहा है और विश कहता है कि यह सच है। विश को भी यह नहीं लगता था कि सुपर सैयन गॉड की पावर इतनी ज्यादा होगी। विश कहता है कि इन दोनों की पावर से दुनिया तबाह हो जाएगी। मिस्टर सेटन विश को उन सबको बचाने को कहता है, जिस पर विश मना कर देता है। फिर मिस्टर सेटन उस फाइट को रोकने का तरीका भी पूछते हैं। तब मिस्टर सेटन विश को एक खाने का कूपन देता है और जिसको देखकर विश काफी खुश होता है, पर विश उसे नहीं लेता। वेजिटा लगातार 4 एपिसोड से उन्हें देखे ही जा रहा है। इधर स्पेस में गोकू और बीरस अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। उन शॉक वेव से पहाड़ टूट रहे हैं, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, तो पेड़ गिर रहे हैं। तब उन दोनों की एनर्जी की वजह से आसमान में पीली रोशनी ढक जाती है और आसमान साफ होने के बाद सभी हैरान हैं कि वो जिंदा कैसे हैं। मिस्टर सेटन को यह गलत फहमी होती है कि उनके प्यार की वजह से अर्थ बच गई है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान भी करते हैं। विश भी यह देखकर काफ़ी हैरान है। गोकू की हालत काफ़ी ख़राब है। तब लॉर्ड बीरस बताते हैं कि उन्हें उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दिया है अपनी सारी पावर को यूज़ करके। शिन यह सुनकर हैरान है कि बीरस ने अब भी अपनी 100% एनर्जी का यूज़ नहीं किया। बीरस कहते हैं कि वो एक सैयन के सामने अपनी सारी पावर यूज़ नहीं करना चाहते थे, पर अब लॉर्ड बीरस को गुस्सा आ चुका है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उन पर हंसे या नहीं, और वो यह साबित करके रहेंगे कि वो गोकू से ज़्यादा ताकतवर हैं। गोकू और बीरस फिर एक बार एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और बीरस गोकू को एक पंच मारते हैं। फिर बीरस और गोकू एक दूसरे को एक पंच मारते हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। फिर बीरस गोकू को एक किक और पंच मारते हैं। गोकू और बीरस अब 100% एनर्जी यूज कर रहे हैं। बीरस काफी ही तेजी से गोकू पर हमले कर रहे हैं। तब बीरस गोकू की चेस्ट पर एनर्जी फोकस करते हैं, तो गोकू तभी उन्हें काफी सारे हेड बट मारता है। गोकू और बीरस पागलों की तरह एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। शिन हैरान है कि अब वो शॉक वेव क्यों नहीं बन रही, जिस पर एल्डर काई बताते हैं कि वो दोनों बस अब नॉर्मली लड़ रहे हैं। बीरस कहते हैं कि अब वो ये लड़ाई खत्म होने वाली है। वह गोकू की तारीफ करते हुए बीरस कहते हैं कि एक सैयन होने के बावजूद भी गोकू ने बीरस को उनकी काफी सारी पावर यूज करने पर मजबूर कर दिया है, पर अब इसका अंत होने वाला है। तब गोकू एक जोरदार नींद बीरस के मुंह पर मारता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू वापस से सुपर सैयन फॉर्म में आ चुका है। शिप पर सभी सुरक्षित हैं। पिकलो गोकू की एनर्जी को महसूस कर सकता है और विश कहता है कि अब गोकू सुपर सैयन गॉड नहीं रहा। विश कहता है कि उसे भी यह उम्मीद है कि यह सच ना हो और यह कि बीरस 900 साल बाद पहली बार इतने उत्सुक हुए हैं। पिकलो विश को अपनी तरफ खींचता
पूछता है और विस को कहता है कि अभी भी खत्म सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, जिस पर विस गुस्से में उसे हाथ छोड़ने को कहता है। वेजिटा एक एनर्जी ब्लास्ट फेंककर उन दोनों को अलग कर देता है। पिकलो यह देखकर हैरान है और वह अंदाजा लगाता है कि शायद अभी उसे डरना नहीं चाहिए। बीरस मन में सोच रहे हैं कि उन्हें अब इस फ्रेंड को अलविदा कहना पड़ेगा जिसने उन्हें इतना सारा मजा दिया। गोकू हार मानने को तैयार नहीं है और बीरस को एक जोरदार पंच मारता है। बीरस हैरान है कि गोकू की सुपर सेल गोड की पावर खत्म होने के बावजूद भी वो उन्हें कैसे मार पा रहा है। गोकू कहता है कि उसने तो इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया और यह भी कि उससे उसकी पावर कम हो गई है। तब बीरस बताते हैं कि शायद गोकू की सुपर सेल गोड पावर बस समय की वजह से गायब हुई है, पर वो अब गोकू के अंदर समा चुकी है। गोकू को कुछ समझ नहीं आता और वह लड़ाई को जारी रखने को कहता है। तब गोकू और बीरस फिर से लड़ना शुरू करते हैं। बीरस और गोकू एक को काफी ही मजा आ रहा है। आखिर इन दोनों की लड़ाई का अंत क्या होगा।